तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? भाई आप अच्छे होंगे। मैं के पिसंत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये है आज पापी पुस्ता। मैं दिखाने वाला हूं कि पापी पुस्ता पे क्या क्या कुछ वर्क चल रहा है। तो देख सकते हो अभी तस्वीरें, ये देख सकते हो जेसीबी लगा हुआ है जो कि रोड को ये मिट्टी का काम हटाने का काम कर रहा है। इसको मतलब कि इसको एकदम लेवल में किया जा रहा है रास्ते को। तो पापी पुस्ते को आधा तोड़ दिया जा चुका है और तोड़ने के बाद में देख सकते हो इसकी जो एक्सप्रेस की लाइन है उस पर भी आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें लगाया जाना है क्या साइड के बाल, और उसके बाद में फिर ये लोकल ट्रैफिक के लिए भी बनाए जाने। तो देख सकते हो यहाँ पर ये मिट्टी को डाला जा रहा है और ये पानी के आगे इसके स्टैंड किया जा रहा है। और आपको बता दिए पापी पुस्ते पर दोस्तों 12 लेन का एक्सप्रेस वे ये होना है। तो उसी वजह से देखो आधी पापी पुस्ता तोड़ के और इसको मिट्टी का लेवल किया जा रहा है, ये मिट्टी को हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो यह मिट्टी को लेबल किया जा रहा है दोस्तों, और लेबल होने के बाद में फिर इसके एक सार किया जाएगा, फिर इस पर रोड रोलर चलाया जाएगा, रोड रोलर चलाने के बाद में फिर इसमें मिट्टी की लेयर डाली जाएगी, फिर उसके बाद में रोरी बजरी की लेयर डाली जानी है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे थे उनकी जड़ें भी निकल रही हैं, जो यहाँ पर ये जो पेड़ थे उनका। तो देख सकते हो ये इसी तरीके से ये लेवल में लाते जरे चले जा रहे हैं, फिर इसको लेवल करके इसमें मिट्टी की लेयर डाली जानी है दोस्तों। तो कुछ यही वर्क चल रहा है पापी पुस्ते पर दोस्तों। ये रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है इस टाइम पे, तो इसको काट दिया जाएगा। काटने के बाद में फिर इस पर जो मेन हाईवे की 6 लेन होंगी उनको तो ऊँचा किया जाएगा, और जो लोकल ट्रैफिक की लेन होंगी वो नीचे रहेंगी दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, देख सकते हो ये मिट्टी डाली जा रही है अब साइडों में। ये देख सकते हो ये दीवार जो दिखाई दे रही है ये बिल्कुल टूट जाएगी, ये यहाँ से आधी हो जाएगी। और आधी हो जाने के बाद में दोस्तों, और ये बनाया जा रहा है जो इसकी लागत है वो है 30,000 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। 200 किलोमीटर का ये रूट है दोस्तों। अभी इसमें प्रेजेंट टाइम में लगते हैं 5 से 6 घंटे। इसको बन जाने के बाद में दोस्तों 2 से 2.5 घंटे के बीच में दिल्ली से देहरादून जाया जा सकता है, और ये 5 सिटी को कवर करेगा दोस्तों। 5 सिटी से होता हुआ ये गुजरेगा दोस्तों। उसमें सिटी जो आती हैं वो है दिल्ली, बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर, और एंड में है इसका देहरादून दोस्तों। तो इसमें 6 जो सिटी है वो आ रही है दोस्तों। देख सकते हो ये यहाँ पर मिट्टी डालने का काम चल रहा है पापी पुस्ते पर इस टाइम पे। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और अभी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा इस पापी पुस्ते पे इस वीडियो के अंदर। और देख सकते हो ये है BN4 का जो है उसका ऑफिस है, यहाँ पर देख सकते हो तस्वीरें दोस्तों। आगे जैसे ही हम बढ़ते हुए चले जाएंगे तो ये दीवार है ये हटा दी जाएगी दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, देखो ये मिट्टी डाली जा रही है, और कहीं कहीं तो इस पर आधा काम कंप्लीट हो चुका है, आपको अभी आगे दिखाएंगे। और आपको बता दूं दोस्तों के जो रोड के जो साइड वॉल हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, उन पर मिट्टी डाली है, लेयर मिट्टी की लेयर डालने का काम चल रहा है। तो वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा और दिखाएंगे भी आप लोगों को। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों।
तो दोस्तों देख सकते हो ये पावी पिस्ता यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, दूसरा जिसे भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं नीचे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों के कुछ क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सब कुछ, बने रहियो केपी संत के साथ एंड तक, अभी बहुत कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं, देखो यहाँ से हम चलते हैं नीचे पावी पिस्ता के नीचे और देख सकते हो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रोड को एक्सपेंशन का काम चल रहा है क्योंकि रोड को चौड़ा भी किया जा रहा है और जो हाईवे की मेन वाली लेन होने वाली है दोस्तों उसका भी आपको वर्क दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए के पी संत के साथ में दोस्तों। तो देख सकते हो हम नीचे उतर चुके हैं और तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि इस पावी पिस्ते को आधा काट चुके हैं ये, और काट देने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये मिट्टी की लेवलिंग का काम किया जा रहा है। रोड रोलर ये सामने आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और इसको आपको बता दूं कि इसको मिट्टी को लेवल करके फिर जेसीबी चलाया जा रहा है। जेसीबी चलाने के बाद में इस पर मिट्टी की लेयर डाली जाएगी, फिर उसके बाद में लेवल करने के बाद में फिर इस पर क्या इस पर डाली जाएगी दोस्तों रोरी बजरी की लेयर, उसके बाद में ये कंप्लीट हो पाएगा। तो आपको बता दो दोस्तों कि यहाँ पर देख सकते हैं ये ड्रेनेज सिस्टम बनाने का भी वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। ये देखो ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। इधर तो आपको बता दूँ कि जो इसकी एक्सप्रेस की लाइन होने वाली है वहाँ पर ये साइड के बॉल को भी लगाया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये रोरी बजरी की यहाँ लेयर बिछा दी जा चुकी है और इसका ड्रेनेज भी बना दिया है। अब इसके बाद में भी अभी और भी जो लोकल ट्रैफिक के लिए लेन है वो भी अभी बनाई जाएंगी क्योंकि इस पानी में मिट्टी डाली जाएगी दोस्तों, फिर इसको
चौड़ा किया जाएगा क्योंकि ये 12 लेन का होने वाला है एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो देख सकते हैं यहाँ पर से ये काम कंप्लीट हो चुका है, आगे लेयर पड़ चुकी है। और दूसरा आप लोगों को जेसीबी यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और देख सकते हैं ये जो घर आ रहा है ये टूटेगा भी, ये बीच रास्ते में आ रहा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये मिट्टी की लेवल की जा रही है, ये जितने भी यहाँ पर ये पेड़ पौधे थे वो हटाए गए हैं और साइड में ये पानी भरा हुआ है। तो इस पानी में अभी रोड को चौड़ा करेंगे दोस्तों। तो किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये साइड वॉल लगाए हैं आप लोग ये देख सकते हो, तस्वीर है, ये साइड वॉल रखे हुए हैं। तो इन्होंने कुछ ये साइड वॉल लगा दिए हैं यहाँ पर यहाँ तक। तो देख सकते हो ये लोकल ट्रैफिक की लाइन रहेगी, ये एक्सप्रेस की लाइन रहेगी, जहाँ पर ये देख सकते हो ये साइड वॉल लगा दिए हैं। साइड वॉल लगाने के बाद में इसमें मिट्टी की लेयर भी बिछा दी जा चुकी है। अब कंक्रीट की और इसकी रोरी बजरी की लेयर अभी बिछानी बाकी है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए पावी पुश्ते पर। तो यही वर्क चल रहा है दोनों साइडों में दोस्तों, और बहुत तेज़ी के साथ में ये बनाया जा रहा है। जो इसकी डेडलाइन है दोस्तों ये मार्च 2024 में आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और एक राज्य से दूसरे राज्य की कनेक्टिविटी भी बहुत फास्ट हो जाएगी। और आपको बता दूं दोस्तों जो इंडस्ट्रीज भी बनाई जा रही हैं और इसमें रोज़गार के अवसर भी बहुत ज़्यादा पैदा होंगे जब ये एक्सप्रेसवे बनके कंप्लीट हो जाएगा, आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों का निर्माण होगा, और फैक्ट्रियों का निर्माण होगा तो दोस्तों रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये मोदी सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य की कनेक्टिविटी फास्ट हो सके दोस्तों। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए इसको, इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है दोस्तों। और आपको बता दूं कि हमारे अक्षरधाम से लेकर और यूपी बॉर्डर तक के ये 15 किलोमीटर का पार्ट है। फिर उसके बाद में दोस्तों यूपी बॉर्डर से लेकर और बागपत बॉर्डर तक यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल तक दोस्तों ये है 17 किलोमीटर का पार्ट। तो आप लोग लगा लो कितना हो गया। तो इतना ये दिल्ली के अंदर रहना है। और ये है ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे जो कि सिटी के अंदर आता है, वो है ब्राउन फील्ड। और जो खेतों से निकलेगा गुजरेगा दोस्तों वो है ग्रीन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड एरिया में बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाता है, और ब्राउन फील्ड एरिया में टाइम लगता है दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर ये जेसीबी लगे हुए हैं, मिट्टी की लेयर को एक सार किया जा रहा है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं साइड के साइड वॉल रखे हुए हैं जो कि ये लगाए जाने, ड्रेनेज सिस्टम भी बन गया। तो देख सकते हो यही नज़ारे यहाँ के। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के पी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है, आप लोगों के इंफॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। और आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, वीडियोज़ को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताओ नीचे कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को दोस्तों। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो आप लोगों को अभी चल रहे हैं, अब हम आ चुके हैं ऊपर की साइड में, और ऊपर का भी देख लो तो अभी मिट्टी की यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है दोनों साइड में। और मिट्टी डाल देने के बाद में इसको रोड को चौड़ा करने का काम भी किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर मिट्टी भी हटाई जा रही है, मतलब कि रोड को प्लान किया जा रहा है, और प्लान करने के बाद में फिर इस पर रोरी बजरी की लेयर भी डाली जानी है दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।